अपराधों पर नियंत्रण के लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री सिमाला प्रसाद जी के आदेश निर्देश में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान इसरार मंसूरी साहब, उप पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश मार्को साहब के मार्गदर्शन में प्लेटफार्मों पर रेलवे स्टेशन के आसपास अपराधियों की पतासाजी हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप एक आरोपी राम कुमार राय को पुलिस ने पकड़ा था, जिससे पूछताछ पर ट्रेनों में, एसी कोच में ट्राली बैग, पिट्टू बैग चोरी करना कबूल किया था। उसमें रखे सामान अपने घर पर रखना बताया था, जो जीआरपी की टीम द्वारा उसके मेमोरेंडम के आधार पर उसे उसके घर से ट्राली बैग, पिट्टू बैग, उसमें रखा सामान मामले में जब्त किया गया है। कुछ मामले में पतासाजी करना है कि किस मामले का ये सामान है। आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया जाएगा। सामान में ट्राली बैग में रखे कपड़े, साड़ियाँ, पेंट शर्ट, कुछ सूट है और मेकअप का सामान, घड़ियाँ और ये गहने हैं, जो इनकी सत्यता जांच की जाना है अभी कि ये किस धातु के बने हैं। घटना को किस तरीके से अंजाम देता है? घटना का अंजाम देने का तरीका ये है कि ट्रेनों में जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति है या बैग छोड़ के कहीं लेट बात चले गया है, तो ऐसे जो सामान जिसका मालिक वहाँ होता नहीं था पास में, उन सामानों की को उठा के और लेके और ऐसे अंदाज में निकलता था जैसे उसी का सामान हो। पुराना कोई रिकॉर्ड है? पहले ये बंद हुआ है कुछ दिन पहले, कई दिनों से इसकी तलाश थी। हमने मुखबिर भी लगाए थे तो उसके सामान ले जाते हुए एक फ़ोटो भी मिली थी पुलिस को। अभी तो अकेला ही ये काम कर रहा था ये। Children.